आज हम शहीद गणेश श्री मुकेश भास्कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुखरेड़ी जिला चूरू के विद्यालय में पहुंचे हैं। ये आप लोगों को सबसे पहले विद्यालय का मेन गेट दिखाया जा रहा है। ये विद्यालय के मेन गेट के पास में आप लोग देखेंगे कि ये मेन एंट्रेंस है और इसके दोनों तरफ काफ़ी अच्छे पेड़ लगाए गए हैं। नेशनल ग्रीन कोर इको क्लब का एक सूचना बोर्ड भी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छे पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं और इनकी काफ़ी देखभाल भी की जाती है। पत्थर की पट्टियाँ रोप करके इनकी सुरक्षा भी की गई है। अब अपन चलते हैं मेन गेट के लेफ्ट साइड के अंदर। यदि अपन चलें तो इस तरफ भी काफ़ी अच्छी पेड़ लगा करके और अच्छा डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पर एक वैधानिक चेतावनी का बोर्ड भी लगा गया है कि तंबाकू मुक्त विद्यालय है ये। चलिए अब हम आपको इस विद्यालय के अंदर प्रवेश करवाते हैं। ये यहाँ का मेन द्वार है। मेन गेट में प्रवेश करते ही राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सैनिटाइजर मशीनें रखी गई हैं, जिनके द्वारा आप पाँव के द्वारा इनसे अपने आप को अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। ये मेन गेट के पास में एक तरफ की ऑफिसें बनी हुई हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब व्यवस्थाएं करी गई हैं। ये परीक्षा कक्ष है और स्टाफ कक्ष है। और इधर मेन गेट के लेफ्ट साइड में यदि अपन चलें तो यहाँ पे अपने को प्रधानाचार्य कक्ष और कार्यालय ऑफिस यहाँ पे नज़र आता है। देखिए बरामदे में चल करके अपन देखते हैं कि क्या क्या बरामदे में लिखा गया है। ये कार्यालय के बाहर जो बरामदा है, इस बरामदे में देखिए कितना शानदार तरीके से भारत का मानचित्र बनाया गया है, जिसमें बच्चे इंटरवल के दौरान या जब भी फ्री वक्त होता है उस समय अपने भारत की जो सीमाएं हैं उनको पढ़ सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसी के बगल में जस्ट राजस्थान के जो जिले हैं उनका चित्र बनाया गया है, उनकी बॉर्डर्स यहाँ पे तैयार करी गई हैं ताकि फ्री समय में बच्चे हैं वो अपने समय का सदुपयोग करके और अपने आप को इंटरटेन भी कर सकते हैं और सामान्य ज्ञान का विस्तार भी कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ ये ग्रीन बोर्ड है जिस पे प्लास्टिक मुक्त विद्यालय लगाया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे लिखे गए हैं और यहाँ पे बगल में एक गरिमा पेटी का भी रखी गई है, जिसमें बच्चे अपने जो भी कंप्लेन होती हैं, अपने जो सुझाव होते हैं वो गुप्त रूप से प्रधानाचार्य महोदय तक पहुँचाने के लिए इस पेटी का उपयोग किया गया है। प्रत्येक शनिवार के रोज़ इस पेटिका को खोला जाता है और बच्चों के जो सुझाव हैं उनको पढ़ा जाता है। चलिए अब हम विद्यालय के अंदर चलते हैं, इसके ऑफिस में चलते हैं। जैसे ही हम कार्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये एक अचानक अग्निशमन यंत्र जिसे अपन कहते हैं, यहाँ पर ये साप्ताहिक जो भोजन का मेन्यू है पोशार के लिए उसको भी यहाँ पे चिन्हित किया गया है और विद्यालय के अंदर स्टाफ की क्या स्थिति है उसके बारे में भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। देखिए किस तरीके से कितना शानदार तरीके से यहाँ पे प्रधानाचार्य कक्ष को डेकोर किया गया है। ये प्रधानाचार्य महोदय की सीट है जिसके आगे की टेबल्स हैं। ये विद्यालय के अंदर स्टाफ के बैठने की बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इनको लगाया गया है। ये विद्यालय का जो स्टाफ है उनका जो इंट्रोडक्शन है उनके बारे में यहाँ पे सारी सूचनाएँ लगाई गई हैं। ये हम इस विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले इस विद्यालय का जो स्टैंड है जहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसका सीन आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बीच में विद्यालय का बहुत सुंदर अक्षरों में यहाँ पे नाम लिखा गया है, शहीद गणेश श्री मुकेश भास्कर। ये मुकेश भास्कर इस गांव बुखरेड़ी के शहीद हुए हैं, उनके नाम के ऊपर इस विद्यालय का नाम रखा गया है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुखरेड़ी। बहुत ही शानदार प्रांगण है, यहाँ पर बच्चे बहुत मन लगा करके पढ़ाई करते हैं और यहाँ के जो शिक्षक गण हैं वो बेहद मेहनती हैं और इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अभी अपन आप लोगों को इस विद्यालय का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है उसका जो सूचना पट है उसका अवलोकन भी आप लोगों को करवाएंगे, जिसको देख करके आप लोग इस बात को सिद्ध कर सकेंगे कि मेहनत कितनी अच्छी होती है। ये विद्यालय इस क्षेत्र का सबसे पुराना विज्ञान वर्ग का विद्यालय है। इसके बाद में कुछ आस पड़ोस की विद्यालय हैं वो क्रमोन्नत होकर के साइंस सब्जेक्ट उनमें भी खुला है, लेकिन ये विद्यालय सबसे पुराना है। और यहाँ की जो लेबोरेटरीज हैं, इस विद्यालय का जो लाइब्रेरी है वो पूरे
चूरू जिले की सबसे बेहतरीन प्रयोगशालाओं में से एक है। बहुत शानदार यहाँ पे दृश्य आप लोग देख रहे हैं, बेहद बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे है, सभी पेड़ भी काफ़ी सारे लगाए गए हैं, बहुत मेहनत यहाँ पे होती है। अभी सीज़न के अकॉर्डिंग इन पेड़ों को ऊपर से कटाई की गई है ताकि इनमें अच्छे नए कोमल पत्तियाँ आ सकें। बेहद बड़ा प्रांगण है और ये जो सामने की बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, इसके पीछे काफ़ी बड़ी ज़मीन है जो ग्राउंड के रूप में काम में ली जाती है। चारों तरफ यू शेप में बनी हुई ये बिल्डिंग है। अभी वापस इसका जो मेन डोर है, इसको अंदर से किस तरह का लुक होता है वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। चलते हैं। ये विद्यालय का जो मेन प्रवेश द्वार है, जहाँ से होके हम लोग आए हैं, उसका एग्जिट लुक यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस तरफ पानी की टंकियाँ हैं, छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग अलग पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। कोई भी छात्र, एक सिंगल छात्र आपको विद्यालय प्रांगण में नहीं मिलेगा। सभी छात्र कक्षा कक्ष के अंदर अध्ययनरत हैं। सभी जो शिक्षक गण हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं। पूरा स्टाफ है वो यहाँ पे भरा हुआ है, कोई भी पद यहाँ पे रिक्त नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल से लेकर के फोर्थ ग्रेड तक सभी पद हैं वो यहाँ पे भरे हुए हैं। ये दो बहुत बड़े बड़े कमरे हैं जो प्रयोगशाला के रूप में काम में लिए जाते हैं। खेल जो क्रियाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे क्या प्रोग्रेस है वो भी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। चलिए अब विद्यालय की लाइब्रेरी में ले चलते हैं, जो कि किसी भी विद्यालय का जो हृदय होता है, जो लाइब्रेरी होती है, उसका अवलोकन आप लोगों को करवाते हैं। ये इस विद्यालय का लाइब्रेरी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्रेंस के पास में सबसे मुख्य एक सूचना यहाँ पे लगाई गई है कि मास्क नहीं है तो प्रवेश नहीं है, प्रधानाचार्य के आदेशानुसार। ये विद्यालय की लाइब्रेरी है। ये पूरे चूरू जिले की सबसे बेहतरीन विद्यालयों की जो लाइब्रेरी है उनमें से एक है। अब अपन विद्यालय लाइब्रेरी में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे के निर्देशन में इस लाइब्रेरी का संचालन होता है। ये सूचना पट है, यहाँ पर हमेशा प्रेरक कोटेशन लिखे जाते हैं छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए। देखिए किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, चित्र लगा करके यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनकी हाइट भी कम होती है, तो फर्श से जस्ट थोड़ी सी हाइट के ऊपर ये चिपकाए गए हैं जिससे बच्चे इनको पढ़ सकें। ये आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित पुस्तकें हैं। यहाँ पे बैठने के लिए, बच्चों के बैठने के लिए भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था करी गई है। सभी पुस्तकें हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित हैं। अभी कोरोना पीरियड में बच्चों को विद्यालय के अंदर क्रमानुसार ही बुलाया जाता है, सभी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उन सब का पालन करके। लेकिन अभी वितरण है वो काफ़ी कम किया गया है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं कक्षा एक से लेकर के आठ तक विद्यालय में नहीं आते हैं, केवल दसवीं और नौवीं से लेकर के बारहवीं तक के बच्चे आते हैं। देखिए किस तरीके से कितनी शानदार व्यवस्था यहाँ पे की गई है। काफ़ी अच्छा बुक्स का यहाँ पे स्टॉक है, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई करके। और यहाँ पे कम से कम 20 बच्चों से ज़्यादा के बैठने की व्यवस्थाएं हैं, जो इंटरवल के टाइम में, रेसेस के टाइम में बच्चे यहाँ पे आकर के पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हर एक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं आप लोगों को मिल जाएंगी, साहित्य से लेकर के विज्ञान तक हर एक क्षेत्र की पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हैं। सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी जो होती है वो विद्यालय का हर्ट कहलाती है, और अगर हर्ट मजबूत है तो डेफिनेटली जो बॉडी होगी वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे प्रमाणित हो रही है। चलिए अब अपन अगले स्टेप में चलते हैं। चलिए अब हम इस विद्यालय की किसी भी एक रैंडम कक्षा में चलते हैं। किसी भी एक रैंडम कक्षा में चलेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके बाहर क्या लगा हुआ। बाहर एक सूचना पट लगा हुआ है, एक कागज लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ कि 18 जनवरी से जो विद्यालय खुलेंगे उनकी जो समय सारणी है वो किस प्रकार होगी और छात्रों को कौन कौन से निर्देशों का पालन करना है। चलिए देखते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे विद्यालय में की गई हैं। और ये किसी कक्षा की सेटिंग व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। आप लोग देख रहे हैं कि सभी बेंचेस के ऊपर बच्चों के नाम लिखे गए हैं और सभी बच्चे जो हैं वो मास्क लगा के यहाँ पे बैठे हैं। ये यहाँ पे टीचर के बैठने की व्यवस्था है।
आप देख सकते हैं कि एक राजकीय विद्यालय में किस तरीके से साफ सफाई की गई है और बच्चों के लिए बैठने की भी और कितनी शानदार व्यवस्थाएं की गई हैं। इवन यदि अपन गेट के बाहर एग्जिट की तरफ ध्यान दें तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कमरे के अंदर गेट के पास में एक डस्टबिन भी रखा गया है, जो कि आप लोगों को बड़ी बड़ी किसी प्राइवेट संस्थान में भी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों को नहीं मिलेंगी। बोर्ड की तरफ नजर दौड़ाते हैं। ये कक्षा 11 है, 11वीं क्लास विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं। चलिए बाहर चलते हैं और किसी दूसरी कक्षा का। चलिए आज की इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, इसके बाद में अगले पार्ट के अंदर देखेंगे बाकी का जो बचा हुआ भाग है, किस तरीके की यहाँ पे लेबोरेटरीज हैं, किस तरीके की अदर व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप सभी दर्शकों को, अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बच्चों को सरकारी में विद्यालय में प्रवेश दिलाएं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।